हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 3D पूर्णांक। बच्चों, अब पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया को समझते हुए अपना काम आसान बनाते हैं। यह वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब बच्चों, पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया को हम समझेंगे। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। दो धनात्मक अथवा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। अब बच्चों, गुणन संक्रिया के प्रगुणों को भी समझते हैं। जैसे किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है, ये गुणा का संवरक प्रगुण है। किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणनफल संक्रिया में पूर्णांकों के क्रम को बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता, ये गुणा का क्रम विनिमेय नियम है। तीन पूर्णांकों के क्रम से गुणा करते समय गुणन संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, गुणनफल समान होता है। किसी पूर्णांक में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य होता है। किसी पूर्णांक में एक से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक आता है। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें -1 से गुणा करते हैं। पहला पूर्णांक गुणा ब्रैकेट में दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक ब्रैकेट बंद, इसका मतलब होता है पहले पूर्णांक की गुणा हमें दूसरे पूर्णांक से भी करनी है, तब प्लस का निशान लगाना है, और पहले पूर्णांक की गुणा हमें तीसरे पूर्णांक में भी करनी है। इसी तरीके से हम इसका ऋणात्मक रूप भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम अभ्यास 3D के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब बच्चों, अभ्यास 3D में हम पहले प्रश्न को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 है, 9 है, 11, 13, ठीक है। तो अब हम इसका पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखते हैं कि 7 × 7, फिर 9 × 3 = 27, यानी 1 में 2 जोड़ दिया, 3 आया ना, 9 × 3 = 27। अब 3 में 2 जोड़ दिए तो 11 × 5 = 55, है ना। तो ठीक, हमारा पैटर्न बनता जा रहा है। अब 5 में हम 2 जोड़ दें, 7 आएगा, तो 13 × 7 = 91। तो कौन सा आंसर आ गया यहाँ पे, 91। तो रिक्त स्थान में हमें क्या भरना होगा, 91। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसमें क्या देखना होता है, जैसे कि हमें ये माइनस मिला है, ये भी माइनस मिला है। जब हमें दो माइनस मिलते हैं तो वो माइनस माइनस की गुणा होने पर प्लस बन जाता है, है ना। अब हमने इससे क्या समझा कि पहले तो कि मेरा उत्तर प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। अब हम सिंपल गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 5 = 20, 20 × 8 = 160, कितना आ गया, 160, प्लस का 160 आया। अब हम इसको देखेंगे, अब ये माइनस माइनस की गुणा हुई तो प्लस हो गया, फिर से प्लस की गुणा हो गई ये माइनस में, तो माइनस आ गया। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अब हम सिंपल गुणा करेंगे, 10 × 100, 100 × 1000। ठीक है, अब इसको देख लो। अब यहाँ भी एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो अब हमें ये तो निश्चित हो गया कि हमारा उत्तर धनात्मक आएगा, मतलब प्लस में आएगा। तो माइनस माइनस की गुणा हुई प्लस हुआ। अब सीधे गुणा कर लेते हैं, 2 × 5 = 10, है ना। 10 की जब 35 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 350। 35 × 350, या फिर वो 0 1 लगा दो और 35 × 35, कैसे भी कर लो, है ना। अब इसको देखो, अब ये इसकी गुणा इसमें हुई, फिर इसमें 0 की गुणा हुई। तो क्या हमने अभी सीखा था, 0 अगर हमारे गुणात्मक में गुणा करने में आ रहा है कहीं पर, तो उत्तर हमारा 0 ही आएगा। अब हम इसमें देखते हैं, ये माइनस माइनस की गुणा हुई प्लस हुआ, ठीक है, और ये माइनस की माइनस में गुणा हुई तो ये भी प्लस हो गया। अब हमें क्या पता चला कि हमारा उत्तर तो धनात्मक आने वाला है। अब सीधे हम इसकी गुणा कर देते हैं, तो 2 × 2, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, तो इस कितना उत्तर आ गया, प्लस का 24। अब इसको भी देखो, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर ये माइनस माइनस प्लस हुआ। अब हम सिंपल गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 4 × 5 = 20, और 20 × 8 = 160, 160 में अब हम 12 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा,
160 में जब हम 12 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। 12 छिंग 72 की 2 हासिल 7, 12 एकम 12, 12 और 7 19, तो कितना आ गया धनात्मक आया हमारा उत्तर, कितना आया 1920। ठीक है बच्चों, जो अब हम इस वीडियो में इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास से कुछ और प्रश्नों को भी समझेंगे और अपना काम आसान बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।